राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव 23 जून को होना है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली सरकार का दावा है कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही 2300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे क्राइम कंट्रोल हुआ है। राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव 23 जून को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और चुनावी मुद्दों में एक मुद्दा सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी उठा है। अगर दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2,78,000 कैमरे लगाए हैं। वहीं अकेले राजेंद्र नगर विधानसभा में 2300 कैमरे लगाए गए, जिसमें क्राइम कंट्रोल होने का दावा भी किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी महिला सुरक्षा हुई है इस सीसीटीवी कैमरे की वजह से और क्राइम कम हुआ है। नहीं, लोग चलते फिरते छीना झपटी भी करते थे तो उससे भी पुलिस को भी बहुत मदद मिली है और हम सभी लोग जितने सामाजिक लोग हैं यहाँ पे सारे समाज रहते हैं उन सबको बड़े खुश हैं केजरीवाल के काम से। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कैमरे लगने के बाद क्राइम कंट्रोल हुआ और वारदातें भी कम हो गईं। पुलिस को क्राइम करने वालों को भी पकड़ने में आसानी होती है, महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सर रात को आधी रात को हम आते जाते हैं तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। बीच में हालांकि हमारी गाड़ी चोरी हुई थी गली में, तो सीसीटीवी कैमरे से हमें गाड़ी वापस मिल गई, हमें तो बहुत बेनिफिट है सीसीटीवी कैमरे में। और दूसरी बात, शिक्षा में ले लो, बसों में ले लो, हॉस्पिटल में ले लो, हर चीज़ें बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो केजरीवाल, दिल से केजरीवाल। राजेंद्र नगर में चुनाव 23 जून को होना है, ऐसे में सरकार के लिए किए गए कार्यों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। इन कार्यों में सीसीटीवी लगाने पर चर्चा चुनावी मुद्दा बनी है। हालांकि लोगों का मानना है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए सीसीटीवी कैमरे से क्राइम कम हो गया है। हाँ जी, जिस दिन से सीसीटीवी कैमरा लगे हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई चोर वगैरह या क्राइम वगैरह भी कम हो गया। चोर वगैरह अब नजर नहीं आते, पहले खुले आम घूमते थे, तो हमें बहुत फायदा हुआ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है और आम लोगों के बारे में सोच रही है। बहुत फायदा हो रहा है उनके लिए, तो हमारे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा ना, तो गली में अब कोई चोर चक्का भी नहीं आता। अब पहले हर चीज बाहर पड़ी रहती थी तो डर लगता था कि ये ना उठा ले कोई, वो ना उठा ले। बहुत ही फायदा है कैमरों से तो हमें, और घर से बाहर निकलते हैं तब भी ज्यादा वो डर नहीं है, बहुत फायदा हमें। गौरतलब है कि उपचुनाव में सीसीटीवी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि अकेले राजेंद्र नगर में ही केजरीवाल सरकार ने 2300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे महिलाएं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, साथ ही पुलिस को भी मामलों को सुलझाने में मदद मिलती है। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली सीसीटीवी मामले में लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से भी आगे है। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।